दिखा दे दोस्तों, ये शिवाजी महाराज का एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का होटल। दोस्तों अभी हम बांद्रा जा रहे हैं मुंबई, और अभी आपको हम दिखाएंगे इस प्रकार से शाम को भी ट्रैफिक रहता है, आप देख सकते हैं। अभी हम चल दिए हैं और आगे हम दिखाते हैं आपको। अभी हम कांदिवली में हैं और बांद्रा जा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये शाम का 6 बजने जा रहे हैं, अभी हल्का हल्का ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। ब्रिज का काम चालू है और रोड छोटा होने की वजह से जाम लगने लगता है। ये कांदिवली का ब्रिज है जो कि आप सबके सामने है, यानी रोड का काम चालू कर दिया है, इसके लिए जाम लग रहा है, आप देख सकते हैं। और ऊपर मेट्रो का काम चालू है, नीचे रोड का काम चालू, यानी 4 लाइन अगर 2 लाइन हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कितना जाम लगता है। तो अभी फ़िलहाल कम जाम है क्योंकि मुंबई साइड जाने का रूट है और आने का जो रूट है वो फुल ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि काम के लिए सभी लोग मुंबई निकलते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, देख सकते हैं। ये रोड का काम चालू है कांदिवली में एक्सप्रेस हाईवे पे, इसके लिए जाम होता है और रोड छोटा हो जाने की वजह से जाम होता है, आप देख सकते हैं। ये जाने वाली रूट है, अभी आने वाली रूट ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ऑफिस से सभी 5-6 बजे छूटता है, इसके लिए फुल ट्रैफिक हो जाता है। अभी हम लोग मुंबई की तरफ जा रहे हैं, यानी छोटा मुंबई से बड़े मुंबई की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसके लिए आगे हम आपको पूरा तस्वीर दिखाऊंगा। और आप बस स्टॉप पे देख सकते हैं पब्लिक जुड़ चुका है, यानी बस का इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग। और ये जाने वाली रूट है, अभी हम मलार पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये रोड का बिजनेस आप देख सकते हैं दोस्तों, मलार एक्सप्रेस हाईवे पर बिजनेस कर रहा है गुटा गुटी का, जो कि सफ़र करने वाले लोग खरीदी करते हैं, यहाँ पे सस्ता में मिल जाता है इसके लिए। ये मलार का तस्वीर है और ये पहाड़ है, पहाड़ के बगल में जो दीवार बनाया गया है पहाड़ ना गिरे इसके लिए। और ज़्यादा जाम तो नहीं आज नज़र आ रहा है क्योंकि ये टाइम पे बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है दोस्तों। अभी हम मलार पहुँचे हैं, ये तस्वीर है मलार ब्रिज का, ये देख सकते हैं मलार क्रॉस करते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं, यानी इसको बोलते हैं कुरार विलेज जो कि झोपड़पट्टी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गरीबों लोग का घर है, यानी कम पैसे में सभी को झोपड़पट्टी बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी जल गया है, सीएनजी गाड़ी थोड़ा सा फोल्ड होने की वजह से जल गया है। और ये है अभी देखिए कुरार ब्रिज है, ये मेट्रो स्टेशन है और बहुत कम ट्रैफिक है मुंबई रोड पर आज, देख सकते हैं। अभी जस्ट हम गोरेगांव पहुंचने वाले हैं दोस्तों, ये देखिए ये पुलिस चेकिंग पोस्ट बनाया गया है, यानी नाइट को नाकाबंदी किया जाता है। ये मुंबई का तस्वीर है, आज हम आपको बांद्रा तक दिखाने वाला हूं तस्वीर, जो कि कांदिवली से शुरू किया हूं और बांद्रा देख सकते हैं, ऊपर मेट्रो चल रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है दोस्तों। साइड में बना दिया गया है मेट्रो स्टेशन और मेट्रो का ब्रिज, जो कि मुंबई को सुंदर बनाने का योग प्राप्त कर चुका है महाराष्ट्र। लिंक रोड और एक्सप्रेस हाईवे का ये तस्वीर है, यानी अभी हम एक्सप्रेस हाईवे पे हैं और अभी जस्ट हम गोरेगांव पहुंच रहे हैं दोस्तों। ये फिल्म सिटी एरिया है आपके सामने है, जो कि देख सकते हैं गोरेगांव ईस्ट है और ये मेट्रो स्टेशन है, बहुत अच्छा नज़ारा आप सबके सामने। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी अगर ख़राब होता है तो जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है दोस्तों, क्योंकि आज जाम ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये गोरेगांव है और यही फिल्म इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है दोस्तों। ये फिल्म सिटी एरिया है और यहीं पर ओबराय मॉल आपको नज़र आएगा, ये बगल में आप देख सकते हैं ओबराय मॉल है। और यहाँ पे रोड का हल्का सा काम चालू है, इसके लिए हल्का हल्का जाम नज़र आ रहा है दोस्तों। और यहीं पे है आरे कॉलोनी, यहीं पे है गोरेगांव रेलवे स्टेशन, और ये बगल में आप देख सकते हैं गुजरात अहमदाबाद सूरत जाने वाली बस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों गोरेगांव क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं मुंबई, मेन मुंबई सिटी के तरफ जाने के लिए। आगे आपको जाम नज़र आ रहा है दोस्तों,
आप देख सकते हैं आगे फुल जाम है, यानी मेन मुंबई से एंट्री करते हुए सभी लोग अपना घर की तरफ जाते हुए, और आप देख सकते हैं डबल लाइन कर दिया गया है ताकि जाम ना लगे, जाम को कवर करने के लिए। दोस्तों ये है फिल्म सिटी का रोड, ये आर्य कॉलोनी के लिए यहाँ से जाया जाता है, और आज हम आपको मुंबई दर्शन कराने वाले हैं। और मुंबई में ट्रैफिक कम करने के लिए शाम के टाइम में एक लाइन उधर से मुंबई से लौटते हुए एक रूट दे दिया जाता है ताकि मुंबई में ट्रैफिक ना हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरा ये अपना आर्य कॉलोनी का ब्रिज है, ये देखिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक लाइन उधर से इधर की तरफ मोड़ दिया गया है दोस्तों, क्योंकि मुंबई मेन मुंबई से घर की तरफ लौटते हुए सभी लोग जल्दी जाना चाहता है, इसलिए ट्रैफिक कम करने के लिए मुंबई पुलिस एक लाइन रॉन्ग साइड में डाल देते हैं ताकि ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए। दोस्तों अभी हम जुगेश्वरी गोरेगांव क्रॉस करते हुए जुगेश्वरी पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी। आप देख सकते हैं ये मुंबई का नज़ारा है, और ये बगल में आप देख सकते हैं आर्य कॉलोनी है और फिल्म इंडस्ट्री एरिया है। ये देखिए जाम होना चालू हो गया दोस्तों गोरेगांव में, देख सकते हैं फुल जाम हो गया है दोस्तों। और हम लोग का रूट जो है अभी जाने में हम लोग को मज़ा आ रहा है, और आने में जो 10-15 किलोमीटर चलना होता है यानी 2 घंटा लगता है, क्योंकि अब जाम होना चालू हो चुका है। और हमारा ये दोस्त कमोद जी इधर है देखिए, और हम चल दिए हैं मुंबई की तरफ, और हमारा दोस्त लौट चुका है देख सकते हैं। आज हम आपको दिखाने वाला हूँ फिल्म इंडस्ट्री एरिया, तो दिखाई दिया हूँ और आगे आपको दिखाएंगे सलमान खान शाहरुख खान अमिताभ बच्चन का एरिया जो है बांद्रा, उस एरिया में हम जा रहे हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा वीडियो को वॉच करिएगा, और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम आपको वीडियो बना के आप तक पहुँचाता रहूँगा। दोस्तों अभी हम जुगेश्वरी में प्रवेश कर चुके हैं, और ये जुगेश्वरी का फ्लाईओवर अभी जस्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं पब्लिक के क्रॉसिंग के लिए जो ब्रिज बनाया गया है, यानी कोई ख़तरा ना हो इसके लिए। और जस्ट अभी हमारे पास आ रहे हैं जुगेश्वरी ब्रिज, अभी जुगेश्वरी ब्रिज के ऊपर, और जिसको JBLR जाना है, नवी मुंबई जाना है, वो इधर से जा सकते हैं। ये है जुगेश्वरी ब्रिज, और आप देख सकते हैं हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, क्रॉसिंग के लिए ब्रिज बनाया जाता है। ये मुंबई का भव्य नज़ारा देखने को मिलता है, यानी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, और इसीलिए मुंबई में मन लगता है दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग अपना अपना तरीके से रोजगार खोल सकते हैं, रोजी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी टैक्सी चला सकते हैं, ऑटो रिक्शा चला सकते हैं, प्राइवेट कार लेकर के आप पैसेंजर कार, ये जो सामने आप देख रहे हैं पीला पट्टी, ये ओला उबेर में आप अटैच करके पैसा कमा सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, ऑटो रिक्शा चला सकते हैं, टेम्पो ले सकते हैं, बहुत सारा तरीका है दोस्तों मुंबई में, आप अपने अपने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। जस्ट अभी हम जुगेश्वरी ब्रिज उतरते हुए जुगेश्वरी क्रॉस करते हुए अंधेरी में हम प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आगे मात्र 2 लाइन या 3 लाइन गाड़ी निकलेगा, क्योंकि जो हम लोग का लाइन है यानी 4 लाइन, और आगे हमारा गाड़ी का एक लाइन कट जाता है, इसके लिए लाइन को कंट्रोल करने के यानी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक लाइन यहाँ भी दे दिया गया है ताकि जाम ना लगे, और जाने के लिए कम गाड़ी होता है इसके लिए ये टाइम में, इसके लिए इसको कम कर दिया जाता है, और वो साइड जो लाइन है यानी 2 लाइन को एक ये साइड में दे दिया गया है ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मुंबई का नज़ारा आप सबके सामने है। मुंबई में
आने जाने का रूट अलग होता है दोस्तों, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कवर करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं जस्ट हम अभी जुगेश्वरी ब्रिज क्रॉस करते हुए मुंबई के ओर बढ़ते हुए अंधेरी के ओर पहुँचते हुए हमारा गाड़ी अभी अंधेरी पहुँच रहा है दोस्तों। बहुत जल्दी हम पहुँच रहे हैं और कटिंग करके वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक घंटे का वीडियो हो जाएगा। आप सबका प्यार रहेगा तो हम लाइव कंटिन्यू बनाएंगे वीडियो, 1000 प्लस होने दीजिए तो हम कंटिन्यू पूरा मुंबई का वीडियो हम बना के डालेंगे। बस आप सबका अपना प्यार आशीर्वाद बनाते रहिए और पूरा मुंबई घर बैठे दर्शन करते रहिए। जस्ट अभी हम अंधेरी पहुँच रहे हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे भी चाली है और आप देख सकते हैं गरीबों का महल कम बजट में, यानी 6-7 हज़ार भाड़ा में गरीबों का महल ये साइड में देख सकते हैं। अंधेरी अभी हम प्रवेश कर चुके हैं, जस्ट ये अंधेरी में एंट्री कर दिया हूँ दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंधेरी एरिया है और ये अंधेरी का ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जो कि मुंबई के लिए जाना जाता है, यानी अंधेरी फेमस शहर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों अंधेरी ब्रिज, ये है अंधेरी का फ्लाईओवर ब्रिज और अंधेरी टाउन में आपको जाने के लिए इधर से आप जा सकते हैं दोस्तों। और आपको हम राइट में दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा ये देखिए कितना जाम है, देखिए यहाँ से इनको घर तक जाने के लिए यानी 15 किलोमीटर जाने के लिए करीबन 1.5-2 घंटा लगेगा। देख सकते हैं कि अंधेरी ब्रिज है और अंधेरी ब्रिज के साइड में नया वाला मेट्रो स्टेशन है और ओल्ड वाला मेट्रो स्टेशन ये देख सकते हैं जो अमिताभ बच्चन के घर के सामने से आता है और ये मेट्रो आ रहा है, देख सकते हैं। और ये वेस्टर्न लाइन का जो मेट्रो स्टेशन है लिंक रोड से अटैच किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन यहाँ भी बनाया गया है दोस्तों। ये मुंबई का मेट्रो है और ये मुंबई का अंधेरी एरिया यानी अंधेरी फ्लाईओवर पे हम अभी हैं। अगर एक गाड़ी यहाँ पे ख़राब होता है दोस्तों तो जाम होना चालू हो जाता है। अभी हम जस्ट विले पार्ला एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं दोस्तों, जस्ट ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद विले पार्ला पहुँच जाएंगे दोस्तों। वीडियो लंबा होगा, वॉच फुल करिएगा, धन्यवाद। जो भी आपके मन में होगा कमेंट करिएगा और पूरा मुंबई का लाइव दर्शन हम आपको कराने वाले हैं दोस्तों। मुंबई में किस प्रकार से गाड़ी सभी लोग चलाते हैं ये सामने आप देख सकते हैं, टाटा का गाड़ी जो बैटरी गाड़ी है और बाकी सीएनजी गाड़ी आप देख सकते हैं सामने। ये मुंबई का गाड़ी सब है और मुंबई का एयरपोर्ट अभी आ रहा है, देखिए दोस्तों आपको दिखता नहीं होगा क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ अकेला हूँ, इसलिए वीडियो हिलता होगा, इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अभी जस्ट हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, मुंबई का एयरपोर्ट संता क्रूज और विले पार्ला के बीचों बीच में पड़ता है और यहां पे अंधेरी एयरपोर्ट भी है जो कि यहां से जाया जाता है। हम आपको दिखाएंगे वो भी रूट, आप देखते रहिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों ये एयरपोर्ट अंधेरी के लिए यहाँ से लेफ्ट मार के आप जा सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि नाम से बनाया गया है, छत्रपति यानी अंधेरी एयरपोर्ट के लिए ये रूट बनाया गया है, शिवाजी महाराज का चित्र बनाया गया है आप देख सकते हैं। और आगे आपको हम दिखा दें दोस्तों ये शिवाजी महाराज का पुतला आप देख सकते हैं, बहुत गजब का लुक है यहाँ पे। और हम भी जस्ट अंधेरी एयरपोर्ट को क्रॉस करते हुए सामने आप दिख रहा होगा आपको सामने सिग्नल देने वाला एयरपोर्ट का जो कि सिग्नल है बनाया गया है, टावर दिख रहा होगा आपको, वहीं से विले पार्ला एयरपोर्ट नज़दीक है यानी यहां से करीबन 5 मिनट की दूरी पे विले पार्ला एयरपोर्ट यहां पे मिलेगा दोस्तों। और ये एयरपोर्ट का नज़ारा है दोस्तों, ये देख सकते हैं विले पार्ला एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का होटल जो कि अजीब है, यानी देख सकते हैं कांच का पूरा बना हुआ है, गोल राउंड है और कोई बीच में पिलर नहीं है। और यहाँ पे एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, ये बगल में एयरपोर्ट है
पूरा एयरपोर्ट आपको दिखता होगा दोस्तों। और हम जस्ट एयरपोर्ट क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए सांता क्रूज पहुंचते हुए आपको बताएंगे। दोस्तों अभी हम सांता क्रूज पहुंचने वाले हैं, यानी एयरपोर्ट क्रॉस करके मेन मुंबई के नज़दीक में जा रहे हैं दोस्तों। वहाँ पे आपको ऑटो नहीं मिलेगा क्योंकि हम वेस्टर्न लाइन तक ही जा रहे हैं। वेस्टर्न लाइन में भी जाएंगे तो आपको हम वीडियो बना के ज़रूर कोशिश करेंगे कि दिखाने का, क्योंकि वहाँ पे आपको ये टैक्सी मिलेगा और ओला उबेर मिलेगा, ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, बस मिलेगा आपको। ये वेस्टर्न लाइन है और सांता क्रूज जस्ट हम अभी पहुँच रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सांता क्रूज का टर्न पॉइंट है, यानी टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं जो झोपड़पट्टी है, यानी जो शुरू से बना के यहाँ पे बसे हुए हैं उनका महल है। और इस सब का डिमांड है दोस्तों। ये मुंबई शहर का बाइक और आप देख सकते हैं कार जो भी है। और जस्ट हम अभी सांता क्रूज फ्लाई ओवर पे पहुँचने वाले हैं दोस्तों। ये आ गया सांता क्रूज फ्लाई ओवर, जस्ट अभी हम एंट्री करने वाले दोस्तों। सांता क्रूज फ्लाई ओवर पे हम अभी जस्ट पहुंच रहे हैं दोस्तों। और देख सकते हैं सभी लोग घूमने के लिए जा रहे हैं मुंबई, यानी मेन मुंबई समुंदर के किनारे सभी लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। अभी शाम का 6 बज चुका है दोस्तों, और आप देख सकते हैं अंधेरा नहीं हुआ है, और कितना भी रात हो जाएगा फिर भी ऐसा ही नज़ारा आपको दिखेगा। ये मुंबई का कुर्ला जाने का रूट है, यानी गांव से आने वाली ट्रेन इस साइड में मिलेगा, इस साइड आप जा सकते हैं। और इसी ब्रिज पे सनी देवल का जो फिल्म आप देखे थे, बस सभी गाड़ी के ऊपर चढ़ाया गया था, यही ब्रिज है। और यही सांता क्रूज ब्रिज है जिस पे सनी देवल का फिल्म शूटिंग हुआ था दोस्तों, नाइट में हुआ था, लेकिन आपको दिन का नज़ारा उसमें दिखा होगा। वो 12 और 3 के बीचों बीच में किया गया था शूटिंग, क्योंकि दिन को तो संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इतना पब्लिक है। अभी जस्ट दोस्तों हम बांद्रा पहुँच रहे हैं, सांता क्रूज अभी क्रॉस करके बांद्रा पहुँच रहे हैं दोस्तों। और बांद्रा में सलमान खान शाहरुख खान का बंगला है, वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। जब हम जाएंगे वहाँ पे, आप लोग का प्यार आशीर्वाद अगर अच्छा रहा तो हम सबके घर में जा जा के हम वीडियो बना के आप तक पहुँचाएँगे। बस आप सबका प्यार बना रहे दोस्तों। अपना रोज़गार है, अपना रोजी के लिए हम काम करते हैं, और रोज़गार छोड़ के मुंबई हम नहीं घूम सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग का प्यार बना रहा तो रोजी रोटी अगर हमको यहाँ से मिलेगा तो हम यहीं पर हम सब काम करना चालू करेंगे दोस्तों। बस हम बांद्रा में पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये बांद्रा का मेन सिटी है दोस्तों, और देख सकते हैं दोस्तों राइट में फुल जाम हो चुका है। बांद्रा मेन सिटी है, और यहाँ से ऑटो रिक्शा को जाने का नो एंट्री है। और हम इस पे फ्लाई ओवर पर जाएंगे और बांद्रा एंड तक हम जाएंगे, और वेस्ट में हम जाएंगे जहाँ पे सभी हीरो का घर है, लेकिन हीरो के घर तक नहीं जा पाऊँगा दोस्तों, इसके लिए सॉरी। मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ, और जब मैं जाऊँगा तो आपको मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। ये बांद्रा का मेन सिटी एरिया है, यहाँ पे सभी लोग का घर है दोस्तों। मुंबई का मेन एंड पॉइंट वेस्टर्न लाइन का, और यहाँ से समुंदर शुरू होता है दोस्तों। वहाँ तक हम चल रहे हैं, कुछ नज़ारा कैद करने की कोशिश करेंगे। बांद्रा के एंड पॉइंट हो यहाँ पे है दोस्तों, और यहाँ पे धरा भी है बगल में, और यहाँ पे समुंदर है, और यहाँ पे हीरो लोग का घर है दोस्तों। अभी मैं जस्ट एंड में पहुँच रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ से लेफ्ट मार के मेन मुंबई में जा सकते हैं, ये ट्रैफिक एरिया रहता है। और अगर सीलिंग से जाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगता है टोल का, 135 रुपया टोल से भी जा सकते हैं एंड पॉइंट। और यहाँ से ऑटो रिक्शा लेफ्ट नहीं मार सकता है। ये है बांद्रा मेन मुंबई,
देखिए दोस्तों, अभी हम सीलिंग पे जाने वाले हैं। ये आ गया एंड पॉइंट दोस्तों, मुंबई। और सीलिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीलिंग आपको हम दिखा रहा हूँ दोस्तों। सीलिंग पॉइंट देखिए, ये सीलिंग है मेन मुंबई का सीलिंग पॉइंट। और ये समुंदर देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से गाड़ी मेरा एंट्री नहीं है, और यहाँ से मैं यू टर्न मारने वाला हूँ दोस्तों। और यहीं पे सलमान खान शाहरुख खान का बंगला है दोस्तों। और ये हमारा यू टर्न वेस्टर्न लाइन के लिए। और यहीं पे सभी लोग ये देख सकते हैं दोस्तों, गजब का लुक है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान, सभी हीरो लोग का घर बंगला इधर ही बनाया गया है। और ये मेन मुंबई है, यहाँ से शुरू होता है फिल्म का कहानी दोस्तों। ये देखिए, इस प्रकार से हम घूम रहे हैं। एक गोल ब्रिज है दोस्तों मुंबई का, देख सकते हैं गजब का नज़ारा। मुंबई यू टर्न मार लिया हूँ दोस्तों, अभी हम वेस्टर्न लाइन में जा रहा हूँ दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए, और आप जितना टाइम दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। देख सकते हैं अभी अंधेरी में है, और मुंबई से लौटते हुए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। रात को 8 बज रहा है और फुल ट्रैफिक लगा हुआ है। और संताक्रूज में दोनों तरफ एक्सीडेंट हुआ है, पहले लेफ्ट साइड में हुआ फिर राइट साइड में हुआ है। लेफ्ट साइड में 3 कार वाले को ठोका, और राइट साइड में 2 कार वाले को ट्रांसपोर्ट गाड़ी 14 फीट आइसर ठोका। और संभल के गाड़ी चलाइए, बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। जय हिंद दोस्तों। नाइट में आप देख सकते हैं नाइट में किस प्रकार से गाड़ी चलती है और कितना जाम होता है, ये आप सबके सामने है दोस्तों। हम लौट चुके हैं मुंबई से, और आप देख सकते हैं रात को किस प्रकार से ट्रैफिक होता है, इसी प्रकार से गाड़ी चलती है। जो लाइन खाली रहेगा उस लाइन में सब कट मार के भागते हैं। और आप देख सकते हैं जाम कंटिन्यू हो रहा है, और करीबन 15 किलोमीटर जाने के लिए लगभग 1.5 घंटा से ऊपर जाने वाला है। और ये मुंबई का सड़कें हैं, और मुंबई का ट्रैफिक इसी प्रकार से डे नाइट चलते रहता है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और इसमें हम फुल जानकारी आपको हम बताए हैं, यानी कांदीवली से लेकर के बोरोवली से लेकर के बांद्रा तक वेस्टर्न लाइन का ये पूरा लाइन है जो कि आप सबके सामने है। और इसी प्रकार से ट्रैफिक का सामना हर दिन करना पड़ता है, सुबह हो या शाम हो, इसी प्रकार से ट्रैफिक को संघर्ष करते हुए घर पे जाना पड़ता है, यानी 2 से 3 घंटा। मेट्रो भी चालू हो गया है, लेकिन जो लोग पैसे वाले लोग हैं उनके पास गाड़ी है, वो लोग गाड़ी से जाते हैं, और जिनका बिजनेस है गाड़ी का तो गाड़ी चलाते हैं। तो इसी प्रकार से सभी लोग संघर्ष करते हैं, और अपने अपने घरों को जाने के लिए 2 घंटा 3 घंटा संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। ये मुंबई का लाइफ है, और मुंबई का लाइफ लाइन बहुत संघर्ष करने के बाद पैसा कमाया जाता है दोस्तों। सभी लोग बोलते हैं मुंबई में बहुत पैसा है, लेकिन आप देखिए इस ट्रैफिक को देखिए, और आप बताइए कि कितना मेहनत होता है गाड़ी चलाने में, और कितना रिस्क होता है गाड़ी चलाने में, पूरी जानकारी आप सबके सामने है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंह चना बेच करके भी पैसे कमा रहे हैं लोगों। और हर जगह अलग अलग तरीके से सभी लोग पैसा कमाते हैं दोस्तों। ट्रैफिक का फ़ायदा उठाते हैं पानी बिस्लेरी बेचने वाले लोग और सिंह बेचने वाले लोग, क्योंकि तो रोज़गार करने के लिए अलग अलग तरीका है दोस्तों। जिसको जिसमें जम जाता है वो रोज़गार चालू कर देते हैं। ये मुंबई शहर है दोस्तों, भूखे कोई तो नहीं मरता है, मेहनत करने वाला कभी भी भूखा मुंबई में नहीं मरता है दोस्तों। जैसा आप मेहनत करना चाहेंगे वैसा मेहनत कर सकते हैं दोस्तों। ये जोगेश्वरी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जोगेश्वरी का जो तस्वीर बना हुआ है, अमिताभ बच्चन का तस्वीर बना हुआ है, मुंबई का चिन्ह बनाया गया है दीवार पे। जैसे गांव में स्कूल में तस्वीर बनाया जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर हर प्रकार से चौक चौराहा को सजाया जाता है दोस्तों। तो मुंबई का लाइफ लाइन है, और आप सबके सामने है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो करीबन 1/2 घंटा का हो चुका है दोस्तों, और आपका टाइम मैं जितना भी बर्बाद किया इसके लिए तहे दिल से सॉरी।
और जो भी जानकारी होगा मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसी प्रकार से वीडियो हमारा देखते रहिए और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ भी मुंबई के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर दूंगा। जैसा भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं मुंबई में, उसके बाद रिलेटेड भी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। जय हिंद। जिन भाइयों को मुंबई में गाड़ी चलाना आसान लगे, इस वीडियो को आप देख लीजिए किस कदर ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, क्लच ब्रेक करना पड़ता है दोस्तों। ये मुंबई का लाइफ स्टाइल है और जो भी भाई गाड़ी चलाते हैं मुंबई में उनके लिए तो सही है, लेकिन जो भाई नहीं चलाते हैं, जो भाई सोच रहे हैं, तो एक बार ये तस्वीर को ज़रूर देख लें, क्योंकि यही लाइन लाइफ है। यानी पूरी दिन आपको इसी प्रकार से संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपको 12 घंटा गाड़ी चलाना पड़ गया तो समझ लीजिए कि रात को आप थकान ज़्यादा महसूस करने वाले हैं दोस्तों। चाहे कोई भी गाड़ी चलाइए दोस्तों, इसी प्रकार से आपको संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों। ये मुंबई का लाइफ लाइन है, मुंबई का ज़िंदगी है यही, और इसी प्रकार से आपको गाड़ी चलाना है, गाड़ी चला के बिजनेस करना है, गाड़ी से पैसा कमाना है। हर प्रकार का बिजनेस जो है, ट्रांसपोर्ट लाइन से लेके, गाड़ी से लाइन से लेकर के, या ट्रैवल लाइन से लेकर के, कोई भी लाइन आप अगर करना चाहते हैं तो मुंबई में, अगर आपको ट्रैवल करके अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आपको संघर्ष करना पड़ेगा, फिर आप पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। मेहनत ज़बरदस्त करना पड़ेगा दोस्तों। ये मुंबई शहर है और मुंबई शहर में इसी प्रकार से ट्रैफिक होता है। अभी हम मुंबई वेस्टर्न लाइन में हैं और वेस्टर्न लाइन का लाइफ लाइन है। इसी प्रकार से प्यार देते रहिए। जय हिंद।